नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। वाहनों पर लगे अवैध हुटरों से निजात दिलाने को प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और इसके चलते प्रशासन ने अवैध तरीके से वाहनों पर लगे हुटरों को हटाने का अभियान छेड़ दिया है। प्रशासन ने सड़क पर हुटर लगे दौड़ रहे कई वाहनों पर कार्रवाई की है और वहीं अवैध पार्किंग पर भी प्रशासन ने चालान करने की कार्रवाई की है। बता दें आपको कि इस समय सड़कों पर अनाधिकृत तौर पर हुटर लगे तमाम वाहन चल रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर वाहन चालक सड़क पर बेवजह रोक झाड़ते हुए नजर भी हारे। आपको बता दें कि इससे सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी जिले के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसी के चलते जनपद संभल में भी अभियान शुरू हो गया और मंगलवार को SDM सदर विनय मिश्रा और ARTO प्रवर्तन अमरीश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जहाँ अवैध रूप से वाहनों पर लगे हुटरों को इटवा के उनके खिलाफ बता दें आपको कि चालान की कार्रवाई की गई और वहां ऐसे अवैध पार्किंग पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है जो अवैध रूप से बनी हुई। SDM विनय मिश्रा ने बताया है कि शासन के निर्देश के बाद संभल जिले में अभियान शुरू किया गया है। अभी पूरे प्रदेश भर में जो अवैध पार्किंग हो रखी है या होटल लगी हुई गाड़ियां घूम रही है या अनधिकृत रूप से जो वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में इस क्षेत्र में भी ARTO साहब के साथ पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान चलाया जा रहा है। कई होटल की गाड़ियों का चालान किया गया है, उनके होटल भी उतरवाए गए हैं और इसके अलावा जो अवैध पार्किंग है उनमें भी कुछ लोगों के चालान किए गए हैं और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। संभल जिले में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है, वहीं शिवलिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। देव प्रतिमा तोड़े जाने की घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। देव प्रतिमाएं तोड़े जाने का पूरा मामला बहजोई कोतवाली इलाके के सादात बाड़ी में मौजूद प्राचीन पातालेश्वर शिव मंदिर का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने प्राचीन मंदिर शिव मंदिर में ही तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है और यही नहीं शिवलिंग की क्षतिग्रस्त भी किया गया है। बुधवार को सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को घटना की जानकारी हुई तो हंगामा मच गया और गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि धार्मिक स्थल में देव प्रतिमाओं के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से आक्रोशित लोगों को समझाया, तब कहीं जाकर पूरा मामला शांत वे कोई भी पुजारी वहां पर भगतजन गया था तो उसने देखा कि जो आसपास की मूर्ति है और मुख्य मंदिर का जो शिवलिंग है उस पर भी घात किया गया है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। तो जैसे ये समाचार नगर में फैला है तो सब लोग कोतवाली आए, अपनी तहरीर देने के लिए आए हैं। अच्छा, बताते पहले भी घटना हो चुकी है, दो महीने पहले भी घंटा चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। इसलिए चोरों के और जो हमारे साथ घुटाराघात कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं। चौराहे पर किस लिए जाम लगाया? चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए और हमारी जो उक्त मूर्तियां हैं उनको बदलवाया जाए। थाना बहजोई के अंतर्गत स्थित प्राचीन सादात बाड़ी मंदिर पर आज सुबह पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मंदिर के बाहर लगी हुई पुरानी एक दो मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब छानबीन की गई तो मौके पर पुजारियों के दो पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। उन्हीं के द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर नामजद पुजारियों के विरुद्ध FIR पंजीकृत की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। इसमें यह और बताना है कि दोनों पुजारियों के पक्ष का मंदिर के कंट्रोल को लेकर पुराना सिविल मैटर न्यायालय में पेंडिंग है, उसका जैसा भी निस्तारण होगा पुलिस उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेगी। नागिन अपने नाग के लिए प्राण बचाने की खुद की जान दांव पर लगा दे, ऐसा आपने केवल सुना ही होगा, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि उस गांव की ओर जहां पर नाग की जोन बचाने के चक्कर में नागिन ने अपनी जान गंवाई है। तहसील बिलसी क्षेत्र गांव नगला डल्लू
का मामला सामने आया है, जहां पर रामदास ब्रजलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के समीप एक समाधि है और गांव वालों का कहना है कि यहां पर सालों से एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। इससे आते जाते अक्सर राहगीरों ने देखा था कि लेकिन आज तक इस जोड़े ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन दो दिन से इस जोड़े के पीछे एक नेवला पड़ गया था जो लगातार नाग पर हमला कर रहा था, लेकिन नागिन नाग की रक्षक बनकर ही डटी रही और इसके साथ ही नाग को उस नेवले के कुचलने से पता चला है कि जिसके भी ने नज़ारा देखा वो दंग रह गया और देखते देखते वहाँ क्षेत्र के लोग राहगीरों का तांता लग गया। यह नज़ारा देख ग्रामीण दहशत के साए में है। महोबा के शहर के आलहा चौक चौराहे से दो मजदूरों के बीच जमकर हुई मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डंडे से एक मजदूर को जमकर पीटा गया है और मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। भारत चीन सीमा से लगे नेलांग बॉर्डर तक रोड तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वीं वीआरओ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मंगलवार को भैरव घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने चीन सीमा पर भैरव घाटी से नेलांग बॉर्डर तक 23 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। उन्होंने चीन सीमा पर सड़क बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद जताया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र सुरक्षा को लेकर देश की सीमाओं को मजबूत करने का कार्य में लगी हुई है और वीआरओ विषम परिस्थितियों में लगातार सड़क निर्माण में जुटा है। विधायक ने कहा है कि सीमा पर सड़क बनने से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। आज नेलांग से भैरव घाटी और लगभग ऐसी 25 जो सीमाओं से लगी हुई परियोजनाएं हैं उसका विधिवत उद्घाटन माननीय हमारे देश के ऊर्जावान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया और आज हम इस जगह पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बीआरओ के द्वारा बहुत चुस्त दुरुस्त से काम किया गया और यहाँ पर लगभग नेलांग से और भैरव घाटी 23 किलोमीटर की सड़क बॉर्डर के लिए बनी है। मैं बीआरओ को तमाम बीआरओ के हमारे कमांडर साहब हैं उनके तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समृद्ध दृष्टि से आज जो हमारा भारतवर्ष मजबूती की ओर आज जो है खड़ा दिख रहा है चारों तरफ सीमाओं पर। खबर हरिद्वार से है, जहां देर रात को बढ़ेड़ी क्षेत्र के ही रत मऊ नदी से हो रहे अवैध खनन के कारण किसानों की फसलों को खनन माफियाओं के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का एक मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि रत मऊ नदी में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन के इस खेल को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा है और जिसमें खनन माफियाओं के द्वारा किसानों के द्वारा लगाई गई फसलों को खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली उसे रौंदा जा रहा है। आपको बता दें कि रहमतपुर वासी किसान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि रतमऊ नदी में रात के अंधेरे में ग्राम बढ़ेड़ी क्षेत्र के ही खनन माफियाओं के द्वारा अपनी जेबें भरने के लिए अवैध खनन कर रहे हैं और जिसके चलते खनन माफियाओं के ट्रैक्टर और ट्रॉली फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पीड़ित किसान के द्वारा बताया गया है कि उक्त क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं का बोलबाला है और कई मरतबा इसकी शिकायत क्षेत्र की पुलिस को भी दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। खनन माफिया बेखौफ होकर करण के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी फसल का नाश कर रखा। कौन लोग उठा रहे हैं यहाँ से मिट्टी? ये पता नहीं, वो बढ़ेड़ी के यहाँ, बेल्टे के यहाँ, कहीं कहीं के यहाँ जो उठा रहे हैं मिट्टी। तो रात भर चलते हैं? हाँ रात भर चलते हैं। देखो उधर भी नुकसान कर रखा है, इधर भी नुकसान कर रखा है, देखो सारे में।
तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो रामूपुर के रहने वाले हैं, परेशान कर रहे हैं। आपने क्या बो रखा है यहाँ पे? हम तो सब्जी लगाते हैं जी। अच्छा, सब्जी लगाते हो जी। गरीब आदमी हो जी? गरीब आदमी हैं हम तो। ये परेशान करते हैं, मानते हैं? परेशान करते हैं, ठीक, मानते नहीं हैं, हम क्या करें। ठीक है। पौड़ी जनपद के ही पेड लसियू पट्टी के निसड़ी गांव में कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक युवक का जानलेवा पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि जानलेवा हमले के बाद ग्रामीण जो है लहूलुहान हालत में युवक को पौड़ी जिला अस्पताल लेकर आए और युवक की गंभीर हालत को देखकर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा युवक को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में पटवारी चौकी द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने के मामले में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और आरोप है कि जिन लोगों ने यह हमला किया वो पौड़ी विधायक के आदमी है। युवकों का कहना है कि जिन लोगों ने दिलीप रावत पर हमला किया विधायक पौड़ी के कार्यकर्ता हैं और रोज किसी न किसी बहाने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की हरकत पूर्व में भी करते रहे हैं। और पूरे मामले पर DM पौड़ी ने बताया है कि मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है, जरूरत पड़ने पर राजस्व पुलिस के अलावा रेगुलर पुलिस की भी सहायता ली जाएगी और पूरे मामले पर ही छह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक लड़का था जिसकी अभी एक महीने पहले फादर की अभी डेथ हुई है, परी नाम है शायद उस लड़के का, तो हमने सोचा चलो हालचाल भी पूछ लेते हैं। वहाँ पे उससे बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, इतने में एक दूसरा लड़का आता है जो थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था और वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, तो वो कुछ गलत तरीके से बात करने लगता है कि इतने रात में तुम यहाँ कैसे है। मैंने कहा ये तो हमारा ही गांव है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी दूसरे गांव में थोड़ी ना रखेंगे। कहा सुनी हुई, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने भी उसका कॉलर पकड़ा था, बाकी उन्होंने इतने में वो 3-4 आ गए तो उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ के नीचे गिरा दिया और मारने लगे। पीछे से किसी ने मेरे पे किसी चीज़ से वार किया पहले। क्या कुछ था, कुछ घटनाक्रम, क्योंकि प्रत्यक्ष दर से आप हैं तो? हम तो जा रहे थे, किसी का फादर वो हुआ था 2 महीने पहले डेथ, और ये इस भाई ने बोला मेरे कि वहाँ चलते हैं, थोड़ा उसे मुलाकात हो जाएगी और फिर जो है कि उसे पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने जो है उन्होंने सोचा कि हमको मारने के लिए आ रखे हैं, उन्होंने जो है कि हथियार उतार उठा कि मैं भी था इसके साथ, मैं वहाँ से निकल गया और उन्होंने मार दिया इसको पत्थरों से, दरांती से, हर चीज़ से। तो जानलेवा हमला कह सकते हैं? बिल्कुल, 3 वो मार के उस पर। इस संबंध में जो प्रकरण, मारपीट का जो प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, उसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जानी है रेवेन्यू पुलिस के माध्यम से, और आवश्यकता पड़ी तो रेगुलर पुलिस के माध्यम से भी की जाएगी। रायवाला क्षेत्र के ग्राम प्रदीत नगर और रायवाला गांव में जल संस्थान की ओर भेजे गए पानी के बेहिसाब बिलों के ठीक करने और पेयजल दरों को कम करने की मांग को लेकर प्रतीत नगर और रायवाला गांव के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जल संस्थान के दफ्तर और गेट में ताला जड़कर संस्थान के सहायक अभियंता कमलेश पंत और अन्य कर्मचारियों को बंधक बना लिया और तालाबंदी के चलते करीब 3 घंटे अभियंता समेत सभी कर्मचारी बंधक बने रहे। सूचना पर रायवाला के थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत मय फोर्स मौके पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की लेकिन ग्रामीण ताला खोलने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल चाबी लेकर उप जिलाधिकारी से मिलने ऋषिकेश चला गया और ग्रामीण रायवाला में जल संस्थान के दफ्तर के बाहर बैठकर लगातार जोरदार नारेबाजी करते रहे। बिजनौर के नूरपुर अमरोहा मार्ग पर रतनगढ़ पुलिस चौकी के पास सड़क दुर्घटना में दिनेश कुमार नाम के एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं सिपाही की मौत से ही पुलिस महकमे में गम का माहौल छाया हुआ है। सिपाही की गाड़ी जैसे ही रतनगढ़ पुलिस चौकी के पास पहुंची तो उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल सिपाही को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहाँ पर चिकित्सकों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया है। सिपाही की मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में गम का माहौल है और मृतक सिपाही बिजनौर के थाना शिवाला कला में पहले भी तैनात रहा है।
चले रुक करते अगली खबर की ओर। नूरपुर ग्राम गोहावर में आवारा पशुओं को लेकर SDM चांदपुर और CO ने ग्रामीण से बैठक कर उन्हें जागरूक किया है और सभी ग्रामीणों से अपने पशु खुले न छोड़ने की अपील भी की है। SDM चांदपुर ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पशुओं को आवारा छोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बिजनौर जनपद में बढ़ती आवारा पशुओं की परेशानी को लेकर आवारा पशुओं की संख्या में किसानों की फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है और इसको लेकर किसान हताश और परेशान है। आज SDM चांदपुर ऋतु रानी और इसके साथ ही CO चांदपुर सुनीता दहिया ने नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गोहावर में मौजूद पंचायत घर में पहुंचकर गांव के लोगों से बैठक की और सभी ग्रामीणों को आवारा पशुओं के संबंध में जागरूक भी किया है। यूपी के उन्नाव से खबर है, जहां पर कचहरी से घर लौट रही दलित महिला और उसके परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की है और साथ ही बाइक में भी तोड़फोड़ की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत करने थाने पहुंचा तो दरोगा ने गाली देकर भगा दिया। पीड़ित ने कप्तान से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अचलगंज थाना क्षेत्र के कुरारी कला निवासी दलित महिला राम दुलारी ने बीती देर रात ही आवास पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा को प्रार्थना पत्र सौंपा और बताया कि बीते दिन अपने बेटे सोनू बबलू और भतीजे अनिल के साथ उन्नाव कचहरी से घर लौट रही थी। तभी कुरारी कला निवासी दबंग ने गांव के पहले उन लोगों को रोक लिया और जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट कर बाइक भी तोड़ दी। घटना हुआ कि घर पे चढ़ के मारे ने गुम्मा लाठी से मारे ने और गाड़ी फोड़ देने लड़कन को मारे ने। कौन लोग मारे? वो ठाकुर जग्गा सिंह ठाकुर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ ये लोग आ रहे थे उन्नाव, इनको लगो इनका गांव से लिया। कोई पुरानी रंजिश है? हाँ, कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ऐसे ने गांव से लिया। थाने गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। भाई क्या कह रही पुलिस? पुलिस कह रही थी कि जले भाग जाओ, नहीं चूटर छांट देंगे। अच्छा हाँ, तो हम लोग भाग गए। और अधिकारियों के पास गई? ऊपर अधिकारियों के पास ऊपर कप्तान पर गई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मदद दिया। अच्छा ठीक हाँ। अरे सर, नाम है आपका? सोनू, सोनू रावत। सोनू जी बताइए, क्या घटना? ये सर हमारी सिस्टर थी, कल एक कथा था तो वहाँ इनवाइट किया गया था, तो वहाँ गई थी। उनके यहाँ एक लड़का आया था, उनका कोई साला वाला था, तो हमारी सिस्टर से वो नंबर मांगा था, तो हम जाके उसको पूछे तो बताया कि हाँ नंबर चाहिए, तो उसको एक दो थप्पड़ मार दिए। तो इधर जब हम घर आए तो घर पर हमारे कोई था नहीं, तो घर पर आके पूरा परिवार हावी हो गया, हमारे पास 10 लोग बस। जी पुलिस के पास गए थे? जी पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, बिना पूछे सीधा अंदर डाल दिया, पूछा तक नहीं क्या हुआ है। एप्लीकेशन वगैरह दिया था आप लोगों ने? मौका ही नहीं दिया कुछ देने का, सीधा अंदर कर दिया। अधिकारियों के ऊपर अधिकारी फंस गए थे आप? जी वहाँ से मौका नहीं मिला जाने का, कहीं आज कल हुई थी तो आ जाए बाहर, तो आज गए थे। जी 2 दिन बैठे। आगामी 6 जनवरी को बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के सिधियावाला गांव में ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चौपाल लगाएंगे और सुनेंगे जनता की समस्याएं। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर यहां का जायजा लिया है। व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने के अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि ADM राकेश प्रताप सिंह, CDO एकता सिंह, DPRO और रोहित भारती CMO सहित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैदरगढ़ सहित भारी पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे। सुबेहा थाना क्षेत्र के सिधियावाला गांव का ये मामला सामने आया। तो बाराबंकी से खबर है, जहां पर डिप्टी CM निरीक्षण करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो जनता की समस्याएं भी सुनेंगे और इसके साथ ही चौपाल भी लगाएंगे और जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उन्नाव में नहर विभाग की लापरवाही से किसानों पर आफत नजर आ रही है। दरअसल खादी कटने के कई सैकड़ा बीघा जो फसल है वो जलमग्न हो गई है और माइनर सफाई के नाम पर खानापूर्ति ने मुसीबत खड़ी कर दी है। माइनर ओवरफ्लो होने से खादी कटी और जिससे पानी भर रहा है, लगातार सूचना के बाद भी जिम्मेदार अनजान बने नजर आ रहे हैं। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नहर विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। साफ तौर पर किसानों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन करने वाले अभियुक्त सक्रिय सदस्य की अचल संपत्ति कीमत लगभग 30 लाख रुपए को धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। और बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में ही संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मसौली पर गैंग लीडर बदरुद्दीन गिरोह के सक्रिय सदस्य नसरुद्दीन द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर समय और परिजनों के नाम पर चल और अचल संपत्ति अर्जित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।